अभी झुंझुना लॉलीपॉप, अब ऐसे में अगर हम छत्तीसगढ़ की बात करते हैं यहाँ पर रंजना जी, तो क्या ये शराबबंदी, क्या ये मुद्दा आपके घोषणा पत्र में शामिल होगा जिसको लेकर आप लगातार कांग्रेस को घेर रहे हैं, लगातार सवाल उठा रहे हैं? देखिए, प्रदेश की स्थिति जो आपको बताऊं, और मुझे बहुत स्पष्ट करने की जरूरत नहीं, हमारी अन्य बहनों ने स्पष्ट कर दिया है कि प्रदेश, आप कोरोना जैसी वैश्विक महामारी जब रही, आपको दवाइयां ढूंढने से नहीं मिलती थी, पर शराब आप जहां चले जाइए आपको घर में अवेलेबल हो जाता था। आप जिस गली जिस मोहल्ले में चले जाइए, आपको ऑनलाइन आप ऑर्डर कर दीजिए, आपको शराब मिल जाएगी, दवाई नहीं मिलेगी। तो इस तरह का यह प्रदेश है, ऐसा सेटिंग है सरकार का, शराबियों के साथ कहे चाहे अन्य लोगों के साथ कहे, ऐसी सेटिंग है, आप जहां जब जो जितना कहें आपको शराब पर्याप्त मात्रा में मिल जाएगी, ऐसी ये सरकार चल रही है। ये शराबबंदी की एक बातें करते, इन्होंने कमेटी बनाई, हमने सदन में पूछा कि आपकी कमेटी भ्रमण में कहां कहां गई, इन्होंने बताया बिहार गए, हम यहां गए। अरे भाई, आप जब दुनिया भर का घूम के आए हैं तो सदन की पटप पर आपने उस विषय को क्यों नहीं रखा कि आपने, आपकी कमेटी जब जब गई उन्होंने सर्वे क्या किया, वहां पर आपने क्या पाया, मेरे सवाल का जवाब, आर्थिक जो सर्वे हुए हैं उसकी रिपोर्ट क्या होगी, कितना उसमें सामाजिक प्रभाव पड़ेगा, मेरे सवाल का जवाब तो दे दीजिए, घोषणा पत्र में शामिल करेंगे? बिल्कुल, देखिए अभी घोषणा पत्र आने का है, हम तो लोगों से मिल रहे हैं, हम लोगों से बातचीत कर रहे हैं। शराब हानिकारक है, इसको सभी जान रहे हैं, और निश्चित रूप से घोषणा पत्र जब आएगा, हमने तो कहा कि हम कांग्रेस से और बेहतर हम घोषणा पत्र बनाएंगे, क्योंकि अंतिम छोर के बैठे हुए हर व्यक्ति की भावनाओं को जानते हुए, हम उनसे बातचीत करते हुए, महिलाओं से बातचीत करते हुए, महिला समूह से बातचीत करते हुए, आम जनता से बातचीत करते हुए, युवाओं से, किसानों से, सामाजिक संगठनों से, हम तो सभी से चर्चा कर रहे हैं। और एक ये बड़ा हमारा कार्यक्रम चल रहा है जिसमें जब घोषणा पत्र जब बनकर तैयार होगा, आपको क्या लगता है चेहरा सामाजिक अहम रहने वाला है जिसे छोड़ा जा सके? रंजना जी, सभी को हम लेकर अपना घोषणा पत्र तैयार करेंगे, लाख गुना बेहतर हमारा घोषणा पत्र रहेगा। आपको क्या लगता है छत्तीसगढ़ का चुनाव चेहरे पर या मुद्दों पर? देखिए, ये तो भारतीय जनता पार्टी है, हम अपने दायित्वों से, अपने संस्कारों से, अपने विचारों से हमारी पार्टी बनती है, और एक अकेले व्यक्ति की पार्टी है नहीं होती। यहाँ पर तो जब से कांग्रेस की सरकार बनी है, सत्ता का केंद्रीकरण हुआ है, तो इस तरह की भारतीय जनता पार्टी नहीं है। हम लोगों के साथ विचार करके, एक दूसरे के सहयोग से, और कमल, भारतीय जनता पार्टी का जो चुनाव चिन्ह है वो कमल छाप है, और भारतीय जनता पार्टी कमल छाप पर चुनाव लड़ेगी। तमाम फ्रीबीज के बीच महिलाओं के लिए क्या आम आदमी पार्टी के पिटारे में? महिलाओं के लिए फ्रीबीज